रामगढ़ ताल थाना प्रभारी निरीक्षक सत्य सान्याल शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने राका नामक एक अंतर जनपदीय शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 4 मोटरसाइकिल और 1 चाकू बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान राका पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बारी थाना खजनी जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। आपको बता दें, पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक शातिर वाहन चोर चिड़ियाघर के पास देखा गया है और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शातिर वाहन चोर राका को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने वाहन चोरी की विभिन्न घटनाओं में अपनी संलिप्तता को कबूला है और चोरी की 4 मोटरसाइकिल भी बरामद कराई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ ताल थाना प्रभारी निरीक्षक सत्य सान्याल शर्मा, आजाद चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक मनीष कुमार यादव, उप निरीक्षक कमलेश कुमार यादव, हेड कांस्टेबल राजकुमार चौधरी, कांस्टेबल अजय चौधरी और होमगार्ड रामाज्ञा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, रात्रि में रामगढ़ ताल पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक शातिर चोर राका नाम का है, जो खजनी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर 4 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई जो चोरी की हैं, साथ ही एक नाजायज चाकू भी उसके पास से बरामद किया गया है। यह एक शातिर चोर है, इस पर पहले भी 5-6 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये कप्तान साहब के निर्देशानुसार वाहन चोरों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में रामगढ़ ताल पुलिस को सफलता मिली है। उन्होंने एक वाहन चोर को अपनी गिरफ्त में लिया है। उनसे 2 पल्सर और 2 स्कूटी गाड़ियां भी प्राप्त की गई हैं और इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है और जिन जिन मुकदमों में ये गाड़ियाँ थी उसको भी इससे लिंक किया जा रहा है। ये सभी पुराने आपराधिक मुकदमों को निकाला जा रहा है। अभी वर्तमान में इनसे जो मोटरसाइकिलें मिली हैं उनमें से 2 मोटरसाइकिलें पूर्व में चोरी हुए मुकदमों से लिंक हो गई हैं। अन्य जो दोपहिया वाहन मिले उनके भी चेचिस नंबर इंजन नंबर के माध्यम से गाड़ी की जानकारी की जा रही है। अभी ये पूछताछ में आगे की चीज़ स्पष्ट होकर निकल के आएगी। इनसे पूछताछ करके गहनता से इसमें चीज़ें देखी जाएंगी।